टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है देवा स्पोर्ट्स वारली पाड़ा ने। जॉली कामतगढ़ के सामने विनोद शेलार, उद्योगपति जानवल, फैन टीम जॉली कामतगढ़। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर। देखना है पहले ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। कुणाल और किरण दोनों ही सलामी बल्लेबाज, जबकि पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अविन पाटिल। तीन तीन ओवरों का यह मैच है। वे सभी मेहमानों का, सभी मान्यवर्स का और खिलाड़ियों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 में अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवर और फोकसमैन राहुल जी कशिवले की ओर से, कशिवले ब्रदर्स एंड फैमिली की ओर से। अविन पाटिल अपनी पहली गेंद लेकर सामना करेंगे कुणाल। नॉन स्ट्राइक पर है किरण। इस मरतबा पहली गेंद स्विच हिट करना चाहते थे, ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुला देवा स्पोर्ट्स वारली पाड़ा का। सेमीफाइनल मुकाबला हम देख रहे आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 का। सन्माननीय प्रभाकर जी भोईर सर यांचं शुभागमन झालंय। सन्माननीय प्रभाकर जी भोईर सर, आपणास विनंती करतोय आपण। कडा फिल्डिंग, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। सन्माननीय प्रभाकर जी भोईर सर ज्यांच्या माध्यमातून सकाळच्या उपहाराची व्यवस्था आपली सातत्याने केली जाते, निश्चितच अन्नदाता सुखी भव। सन्माननीय प्रभाकर जी भोईर सर, आपणास विनंती आहे आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। इस मर्तबाची गेंद विकेटो में आ रही थी, शरीर से दूर ड्राइव किया गेंद को, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर जब तक फील्डर गेंद को उठाते एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 6 पर पहुंचा है देवा स्पोर्ट्स वारली पाड़ा का। सेमीफाइनल मुकाबला, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, बीट हुए बल्लेबाज डॉट गेंद। जॉली कामतगढ़ बहुत ही मजबूत साइड है, अनुभव का भंडार है। दर्शकों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि लगभग 25-30 सालों से ये क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट खेल रहा है। एक ही परिसर के सभी खिलाड़ी, चाहे सिटी क्रिकेट हो चाहे ग्रामीण। इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में और आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों में, पहला झटका लगता हुआ देवा स्पोर्ट्स वारली पाड़ा को। पहला झटका किरण के रूप में, शून्य पर आउट हुए किरण। प्रवीण आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे अविन का। मर्तबा अच्छी लेग ब्रेक गेंद थी, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बल्लेबाज, रन के लिए निकल पड़े। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, स्कोर में एक रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 7 रनों पर पहुंचा है। पहले ओवर का खेल चल रहा है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है देवा स्पोर्ट्स वारली पाड़ा। विनोद शेलार, फैन टीम जॉली कामतगढ़ के सामने। इस मर्तबा ओवर पिच गेंद थी, उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहा है, अच्छा कैच, दूसरा झटका लगता हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
सन्माननीय राहुल भाई कशिवले आणि संपूर्ण जानवळकरांची श्रीमंती आपण पाहतोय. आरके सरपंच चषक 2023 या रणसंग्रामाला मंचावरती आपण पाहतोय. देवा ग्रुपचे निश्चितच सन्माननीय अनुजी ढोले साहेब, संतोषजी पवार साहेब ठाण्याचे उद्योजक आहेत, त्याचबरोबर फळेगावचे उद्योगपती सन्माननीय नितेशजी जाधव साहेब, त्याचबरोबर आपल्यामध्ये एक व्यक्तिमत्व मित्रांनो उपस्थित आहे. आपण चित्रपट पाहिला असेल रईस, बऱ्याचशा चित्रपटांमध्ये हा चेहरा आपण पाहिला असेल मित्रांनो. कल्याणची व्यक्ती आहे मात्र खऱ्या अर्थाने सर्वांच्या हृदयावरती राज्य करणारे व्यक्तिमत्व सन्माननीय शुभमजी मोरे सर मंचावरती उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर कल्याणवरनं कलजजी मिरकुटे सर, लोणाडवरनं आदित्यजी कांबळे सर, जानवळवरनं प्रभाकरजी भोईर सर, त्याचबरोबर कुंडलिकजी पाटील, रवींद्र ठाकरे साहेब, आत्मारामजी भोईर साहेब वेळोलीवरनं, त्याचबरोबर रवींद्रजी भोईर साहेब, या सर्व मान्यवरांना आपण मंचावरती पाहतोय. या सर्व मान्यवरांचं शब्द सुमनांनी हार्दिक सहर्ष स्वागत. दूसरे ओवर के लिए प्रसाद को मोर्चे पर लगाया गया है. गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे बैट्समैन प्रवीण. नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज अक्षय. अक्षय और प्रवीण को अब यहां से रनों के लिए जाना होगा. लो फुल टॉस गेंद सफाई से नहीं खेल पाए, खेलना चाहते थे. मिड विकेट पर गेंद चली गई. लॉन्ग ऑन पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा का. प्रसाद मुड़ते हुए सामना करेंगे प्रवीण. लो फुल टॉस गेंद थी, मोड़ दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. सूझ दूझ कर अब गेंदबाजी हो रही है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ की ओर से. विनोद शेलार फैन टीम है. स्कोर इस वक्त 9 रनों पर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर. दूसरी ओवर का खेल चल रहा है. आप देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज बाय अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवल. स्मर्तबा अच्छी गेंद, हाउस दैट की अपील. अंपायर तस्मस नहीं, रन पूरा किया है लेग बाय स्काई शार अंपायर का. स्कोर में एक रन से इजाफा होगा. बढ़ता हुआ स्कोर 10 रनों पर पहुंचा है. गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ की ओर से. चैनल में गेंदबाजी हो रही है, बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है. मौका नहीं मिल रहा बल्लेबाजों को ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने का. फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार शरीर से टकराई. एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. लेग बाय का इशारा अंपायर का. इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रनों पर पहुंचा है. प्रसाद मुड़ते हुए स्मर्तबा अच्छी गेंद, पीछे रखा था, अंदर काटा था, बैकफुट पे जाके ड्राइव लगाना चाहते थे. बीट हुए बल्लेबाज, डॉट गेंद. 11 रनों पर रुका हुआ स्कोर. रन उतनी आजादी से नहीं आ रहे इस वक्त देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा के लिए. सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और जॉली कामतगढ़ के सामने कम से कम 35 से 40 रन देखना होंगे अगर मैच में मजबूती बनानी. इस मर्तबा बोल्ड, एक और झटका लगता हुआ. बल्लेबाज अभय आए बल्लेबाजी के लिए. उद्धव को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. उद्धव पाटिल नए बल्लेबाज अभय, जबकि स्ट्राइक पर रहेंगे अक्षय. अक्षय सामना करेंगे उद्धव का. समय के मामले में सहयोग कीजिए प्लीज. इस मैच की विजेता टीम आरके सरपंच ट्रॉफी के फाइनल में टकराएंगी भावालय के सामने.
उद्धव स्मृत बात है गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, डीप में फील्डर मौजूद है, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और रन आउट। महेश आया बल्लेबाजी के लिए, इसको रुका हुआ है इस वक्त 12 रनों पर, 4 विकेटों के नुकसान पर देवा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा। नए बैट्समैन महेश सामना करेंगे उद्धव पाटिल का। इस मर्तबा आपने सामने गेंद को पटका ताने का इंतजार किया, पंच किया, कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 16 रनों पर, तीसरे और आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। इस मर्तबा तेज तरार गेंद ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे, सफल होकर बीट हुए बल्लेबाज, विकेटों के ऊपर से निकल गई गेंद डॉट के रूप में। उद्धव पाटिल फुल टॉस गेंद स्वंग कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। नो बॉल थी, बिल्कुल बीमर गेंद थी। तीसरे अंपायर की मांग की थी और जब रिप्ले में देखा तो तीसरे अंपायर ने नो घोषित किया, यस फ्री हिट। 7 रन मिलेंगे स्कोर उछलता हुआ। तेवीस रनों पर पहुंचा स्कोर, देखना है फ्री हिट गेंद का कितना लाभ उठाते हैं महेश। पिछली बीमर गेंद पर 6 लगा चुके महेश सामना करेंगे उद्धव पाटिल का। फिर एक बार गेंद को लपेट लिया है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 29 रनों पर पहुंचा और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश, 2 छक्के 1 चौका लगा चुके हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, स्पर्धा आपण पाहतोय अर्थातच आरके सरपंच चषक 2023 चा हा रणसंग्राम, या रणसंग्रामाला खऱ्या अर्थाने ज्या व्यक्तिमत्वांच्या आगमनाची आतुरता होती, शुभ आगमन होतंय या संपूर्ण मंचाला शोभा वाढवण्यासाठी माजी उपसभापती भिवंडीचे सन्माननीय शिवसेनेचा बुलंद आवाज, शि
शिवसेनेची मुलुक मैदानी तो सन्माननीय 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 सचिन जी पाटील साहेब त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत बाहुली गावचे यशस्वी उद्योगपति सन्माननीय हेमंत जी गायकर साहेब अर्थातच गोल्डमॅन त्यांच्या समवेत शशिकांत जी कतोरे साहेब वैजोले गावचे निश्चितच या सर्व मान्यवरांचं शुभागमन झालंय। स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक सहर्ष स्वागत सुस्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। त्याचबरोबर जानवळ गावच्या विद्यमान सरपंच सन्माननीय करिश्माताई कमलाकर कशिवले मॅडम आणि त्यांच्या सहकारी यावेळेस उपस्थित होत आहेत। स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। सर्व लाडक्या मान्यवरांचं पुनश्च एकदा शब्द सुमनांनी हार्दिक मनपूर्वक स्वागत करूया। 29 रनों पर पहुंचा है स्कोर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे स्लॉग ओवर में महेश। इस मर्तबा तेज तरार गेंद लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में एक रन से इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रनों पर पहुंचा है। काफी महंगा ओवर चल रहा है इस वक्त उद्धव पाटिल का। बढ़िया बल्लेबाजी महेश की आखिरी ओवर में जो बल्लेबाजी कर रहे अब मैच में जान भर दिए। महेश छक्के एक चौका लगा चुके हैं। इस मर्तबा सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई गेंद। दूर से खिलाड़ी आया गेंद को उठाया थ्रो करते इस बीच दो रन पूरे किए। इन दो रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा का। अब यहां से हम कह सकते हैं कि वार्लीपाड़ा की गेंदबाजी ज्वाली कामतगर के बल्लेबाजों को टेस्ट कर सकती है। सर मंचावरती सन्माननीय अनुज भाई ढोले उपस्थित आहेत। निश्चितच महेश वरती प्रेम आहे टीम वरती टेम प्रेम आहे। एक षटकार जर ठोकला तर तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। इस मर्तबा तेज तरार गेंद देखना है क्या कुछ हुआ है। रन के लिए जरूर निकल पड़े। एक ही रन मिलेगा। तीन ओवरों की समाप्ति स्कोर 33 रन और 34 रनों की चुनौती रखी है फाइनल में पहुंचने के लिए देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा ने विनोद शेलार फैन टीम जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के लिए। भावाले फाइनल में पहुंच चुकी है। इस मैच की विजेता टीम अगले मुकाबले में फाइनल में टकराएगी आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में। भावाले दूसरे दिन पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं ये सेमीफाइनल मुकाबला आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 का ऑर्गेनाइज बाय अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवल फोकस मैन राहुल जी कशिवले कशिवले ब्रदर्स एंड कशिवले फैमिली। धन्यवाद थैंक यू सो मच नबील सर। अपन स्पर्धा पाहतोय आरके सरपंच चषक 2023 चा हा रणसंग्राम। हा रणसंग्राम गेल्या 4 दिवसापासून आपण पाहतोय क्रिकेटच्या मंचावरती। भरपूर चांगलं क्रिकेट आपण पाहिलं अनुभवलं मंचावरती। नक्कीच आपण पाहुण्यांची उपस्थिती अर्थातच सन्माननीय राहुलभाई कशिवले आणि संपूर्ण कशिवले कुटुंबीय आणि जानवळकरांची श्रीमंती आपण पाहतोय। या संपूर्ण श्रीमंतीला निश्चितच 4 चंद्र लावण्यासाठी मंचावरती भीमराव पाटील सर यांचं शुभागमन झालंय। खांडवळ गावचे ग्रामसेवक आहेत त्यांचं सुद्धा शुभ स्वागत करूया। निश्चितच या संपूर्ण मंचाची शोभा वाढवण्यासाठी या संपूर्ण स्पर्धेच्या पाठीमागे जे व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थानं उभं आहे देवा ग्रुप फाउंडेशनची विजयी पताका सातत्यानं ज्या व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून आस्था गायत रोवली गेली त्याचबरोबर त्या कार्याला पुढे घेऊन जाणारं व्यक्तिमत्व सन्माननीय अनुजी देवाभाई ढोले मंचावरती उपस्थित आहेत। साहेबांचा आपण शुभ सन्मान करतोय। मी या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा सन्माननीय राहुलभाई कशिवले यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते। सन्माननीय अनुजी देवाभाई ढोले देवा ग्रुपचे सर्वे सर्वा साहेबांचा शुभ सन्मान आपण करतोय मंचावरती। नक्कीच राहुलजी कशिवले सर यांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करतोय। मित्रांनो मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे देवाभाईंना कोण विसरेल ज्यांच्या माध्यमातून गोर गरिबांची सेवा केली गेली। गोर गरिबांसाठी अख्खा आयुष्य खर्च केलेलं व्यक्तिमत्व आज आपल्यामध्ये नाहीये मात्र त्यांनी रोवलेली विजयी पताका त्यांनी रोवलेली मूर्तमेढ अर्थातच देवा ग्रुप फाउंडेशनचं नक्कीच कार्य अविरतपणे पार पाडणार त्यांचं पुत्ररत्न आज आपल्या सोबत आहेत सन्माननीय अनुजी देवाभाई ढोले। स
साहेबांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. राहुल जी कशिवले साहेबांचा शुभ असते सरांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. सातत्याने अशी श्रीमंती हेच ऐश्वर आणि अशीच ताकद आस्था गायत येणाऱ्या संपूर्ण आयुष्य तुम्हाला लाभू दे अशा अपेक्षा आणि शुभेच्छा आपण साहेबांना देऊयात. भरपूर सारं प्रेम जानवळकरांच्या वतीनं सन्माननीय अनुजी देवाबाई ढोले यांच्यासाठी. त्याचबरोबर ठाण्यावरनं निश्चितच आपल्या सर्वांच्या प्रेमाने उपस्थित असलेले सन्माननीय संतोषजी पवार साहेब मंचावरती उपस्थित आहेत. मी राहुलजी कशिवले साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय संतोषजी पवार सर यांचं शुभ सन्मान आपल्या मंचावर करायचा आहे. त्याचबरोबर मंचावरती तरुणायाचा बुलंद आवाज आमच्या फळेगावची आनबान शान सन्माननीय नितेशजी जाधव साहेब मंचावरती उपस्थित आहेत. देवा ग्रुप फाउंडेशनचं नक्कीच एक सक्रिय कार्यकर्ते ज्यांच्या माध्यमातून निश्चितच ही संपूर्ण मुहूर्तमेढ रोवल्यानंतर पुढे घेऊन जाण्याचं कार्य केलं जात आहे. देवा ग्रुपचे सक्रिय सभासद सक्रिय कार्यकर्ते सन्माननीय नितेशजी जाधव साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण मंचावरती करतोय. त्याचबरोबर त्याचबरोबर मंचावरती निश्चितच वेळात वेळ काढून खालिंगावचे उद्योगपती सन्माननीय योगेशजी शेलार सर उपस्थित आहेत. साहेबांचा सुद्धा शुभ सन्मान आपण करतोय. सन्माननीय योगेशजी शेलार सर यांचा शुभ सन्मान आपण मंचावर करतोय. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी भरपूर व्यक्तिमत्वांची हातभार भरपूर व्यक्तिमत्वांची मेहनत आपल्याला पाहायला मिळाली. राहुलजी कशिवले सरांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारी व्यक्तिमत्व धन्यवाद. त्याचबरोबर मंचावरती आपण पाहतोय निश्चितच या विभागाची शिवसेनेची मुलुक मैदानी तोफ माजी उपसभापती सन्माननीय सचिनजी पाटील साहेब उपस्थित आहेत. साहेबांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. मी सन्माननीय राहुलजी कशिवले सरांना विनंती करतोय साहेबांचा शुभ सन्मान आपल्या मंचावरती करायचा आहे. सन्माननीय सचिनजी पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण मंचावरती करतोय. याच दरम्यान तरुणाईचा बुलंद आवाज आपल्या सर्वांच्या पाठीशी उभं राहणारं व्यक्तिमत्व देवा ग्रुप फाउंडेशनचे सन्माननीय प्रल्हादजी पाटील साहेब अर्थातच छोट्या भाई उपस्थित होत आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व यंग डॅशिंग डायनॅमिक पर्सनॅलिटी मॅक्स भाई यांचं शुभ आगमन झालंय. स्पर्धेच्या वतीनं आणि जानवळकरांच्या वतीनं हार्दिक मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करूया. त्याचबरोबर मंचावरती वेळात वेळ काढून वाहुली गावचे लाडके उद्योगपती सन्माननीय हेमंतजी गायकर सर उपस्थित आहेत. साहेबांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. सन्माननीय हेमंतजी गायकर सर यांचा शुभ सन्मान आपल्या मंचावर केला जाईल. लाडकं व्यक्तिमत्व आहे अर्थातच गोल्डमॅन म्हणून प्रसिद्ध सन्माननीय हेमंतजी गायकर सर यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. सन्माननीय राहुलजी कशिवले सर यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान होतोय. त्याचबरोबर वैजोले गावचे लाडके सन्माननीय शशिकांतजी कथोरे सर उपस्थित आहेत. साहेबांचा शुभ सन्मान आपण मंचावरती करतोय. वैजोले गावचे प्रतिष्ठित नागरिक सन्माननीय शशिकांतजी कथोरे सर यांचा शुभ सन्मान आपण मंचावरती करतोय.
आता काय करता व्हीआयपी नाही याला याला पण व्हीआयपी येते धन्यवाद सर्व लड़क्या मान्यवरांचं हार्दिक मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करूया। त्याचबरोबर खांडबळ गावचे ग्रामसेवक साहेबांनी वेळात वेळ काढला आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत सन्माननीय भीमरावजी पाटील सर यांचा शुभ सन्मान आपण करूया। मी राहुलजी कसिवले सरांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय भीमरावजी पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय। खांडबळ गावचे ग्रामसेवक आहेत धन्यवाद। त्याचबरोबर मंचावरती खालिंग गावचे उद्योगपती सन्माननीय योगेशजी शेलार सर उपस्थित आहेत सन्माननीय योगेशजी शेलार सर यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय। मी त्याचबरोबर ठीक आहे उर्वरित शुभ सन्मान आपण थोड्याच वेळात मित्रांनो घेऊयात। मंचावरती नक्की सर्व मान्यवर उपस्थित आहेत त्या सर्व लड़क्या मान्यवरांचं पुन्हा एकदा हार्दिक सहर्ष स्वागत करूया। जाऊया मैदानावरती मॅचला सुरुवात झाली आहे। जोडले जात आहेत सन्माननीय नबीलजी दिवकर सर हिंदी मध्ये सुंदर समालोचन। एक ओवर की समाप्ति स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर मोती 7 रन बनाकर आउट हो चुके। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है कामतगर के लिए। तारीफ करनी होगी देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा की, इस वक्त फाइट कर रही है फाइनल में पहुंचने के लिए। एक ओवर में केवल 8 रन खर्च किए सागर चौधरी ने। देखना अब दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। मैंने पहले ही कहा था 30 से 35 रन पर गेंदबाजी जो है वार्लीपाड़ा की परीक्षा जरूर लेंगी जॉली कामतगर की। विलास को बुलाया गया है कल जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लगभग 7 से 8 रन बनाना भी कल के दिन में मुश्किल हो रहा था बल्लेबाजों के लिए विलास की गेंदबाजी के सामने। लेकिन ये बहुत अहम मुकाबला है, यहां से अब दोनों टीमें निराश नहीं होना चाहती है। अब यहां युवाओं को अपना जोश दिखाना होगा, सूझबूझ कर गेंदबाजी करनी होगी। अगर मैच में मजबूत पकड़ बनानी है तो जॉली को, अगर मैच को जीतना है तो फिर जॉली का जॉली क्रिकेट दिखाना होगा आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 में, जिस नाम से वो टीम मशहूर है। विलास दूर वाले एंड से सामना करेंगे निहार नॉन स्ट्राइक पर यश। विलास निहार के लिए इस मर्तबा अच्छी गेंद, सफाई से नहीं खेल पाए, एक रन पूरा किया है। डीप मिड विकेट पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं निहार के लिए। 9 रनों पर पहुंचा स्कोर। चौंतीस रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिए फाइनल में पहुंचने के लिए विनोद शेलार फैन टीम जॉली कामतगर। स्मर्तबा यॉर्कर लाइन की गेंद थी, हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला, गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, मौका नहीं दिया वहां पर दूसरा रन भागने का। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 10 रनों पर पहुंचा है। अब गेंदे बची है 10 और रन चाहिए 24। व्हाट अ मैच, सेमीफाइनल मुकाबला आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 जॉली बनाम देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रखा था, खड़े खड़े ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे निहार, बीट वे डॉट गेंद। निहार ये ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी बहुत शांत टेम्परमेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं निहार। विलास फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट किया निहार को। अब दबाव बढ़ता हुआ जॉली स्पोर्ट्स कामतगर पर, 8 गेंदे और 24 रनों की जरूरत।
बहुत बढ़िया गेंदबाजी विलास की। कल के दिन भी पूरे स्पर्धा में विलास ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। लगभग हमेशा अपनी ओवर में 4 से 5 रन के ऊपर नहीं खर्च किए विलास ने। बहुत अच्छे गेंदबाज है देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा के। इस मरतबा लो फुल टॉस गेंद थी, स्विंग करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, वाइट घोषित किया है अंपायर ने। जी हाँ, वाइट। देखना है क्या कुछ हुआ है। स्क्वायर लेग अंपायर करीब जा रहे हैं। देखिए अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। दुनिया ही क्रिकेट के बेताज बादशाह किंग कोहली भी मैदान में सर झुकाकर नीचे जाते हैं जब अंपायर उंगली ऊपर उठाते हैं। तो एक रन मिलेगा, इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। 34 के लक्ष्य का पीछा कर रही है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। अब जीतने के लिए 8 गेंदे और 23 रन। विलास बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे निहार। इस मरतबा फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया है। कहीं ना कहीं दो गेंदे अच्छी करने के बाद मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करना चाहते हैं और दिशा से थोड़े से भटकते हुए नजर आ रहे विलास। दो वाइड गेंदे कर चुके हैं, दो अतिरिक्त रन खर्च किए, 8 गेंदे 22 रन। फाइनल में पहुंचने के लिए आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 के विनोद शेलार फैन टीम जॉली स्पोर्ट्स को। विलास चौधरी अब विकेट कीपर कुछ कान मंत्र दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, इसके बाद फाइनल मुकाबला देखेंगे हम इस मैच की विजेता टीम और भावाले के बीच में। इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, खींच के मारा है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 18 रनों पर पहुंचा है। कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटके थे, दो गेंदे वाइट की थी निहार जानते थे। अब यह गेंद कहां आने वाली है। विलास चौधरी निहार के लिए सफल होकर खेलने की कोशिश, हुक किया है गेंद को सफाई के साथ, तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई दूर से खिलाड़ी आया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया। एक ही रन दूसरे के लिए आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा थ्रम्बल और 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रनों पर पहुंचा है। अब 2 ओवर की समाप्ति, यस दरमियान 20 रन। यस दरमियान वाशेरे गावचे उपसरपंच साहेब सन्माननीय अरुणजी शेलार सर यांचं शुभागमन झालंय। स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करूया। सुस्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। ओवरों की समाप्ति, स्कोर 20 रन, आखिरी ओवर और जीतने के लिए रन चाहिए 14। 6 गेंदे 14 रन, फील्डिंग तुरंत सजाना है देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा, क्योंकि पहाड़ों के बीच ये मैदान है और सूरज यहाँ पर बहुत जल्दी ढल जाता है, तो हम नहीं चाहते है कि फाइनल मुकाबला जो हो वो अंधेरे में हो। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज। आए हुए सभी मेहमानों का, सभी वीआईपीस का, सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है आरके सरपंच ट्रॉफी 2023 में। अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवल फोकसमैन राहुल जी कशिवले एंड कशिवले फैमिली की ओर से सुस्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। सन्माननीय राम पाटील साहेब सावित्रा गावचे लाडके नगरसेवक आहेत, याच दरम्यान शुभागमन होत आहे। साहेबांचं यथोचित शुभ स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। या स्पर्धेला भेट
कमेंट्री बॉक्स नबील सर। यश को पहली गेंद पर यश हासिल हुई है, पहली गेंद पर छक्का लगाया यश ने, इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 26 रनों पर पहुंचा है यश पाटिल। आठ गेंदे आठ रन पांच गेंदे पांच में आठ। विनोद शेलार अब थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। इस मर्तबा लो फुल टॉस गेंद, फिर एक बार स्वंग किया है, फिर एक बार गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार। छह या चार छह रन। अब डांसिंग द ट्रैक पर आ गए हैं विनोद शेलार। टीम लगभग फाइनल के दरवाजे को खोल चुकी है। आठ गेंदों में 24 रन चाहिए थे, अब चार गेंदों में दो रन चाहिए। पिछली चार गेंदों में जो 22 रन खर्च किए वो इस वक्त वार्ली पाड़ा को ले डूब रहे हैं। सूरज यश के लिए, फिर एक बार मोड़ दिया गेंद को तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहा है, दो रन पूरे या नहीं? यस पूरे। और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है जॉली स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद शेलार, कॉन्ग्रेचुलेशन मोती, कॉन्ग्रेचुलेशन जॉली स्पोर्ट्स कामतगर एंड हार्ड लक देवा स्पोर्ट्स वार्लीपाड़ा। फाइनल